राज्य है। इस राज्य की 30% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। इसके साथ ही यहाँ पर 12% आबादी अनुसूचित वर्ग की भी है। वहीं करीब 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, शेष अन्य वर्गों की है। ऐसे में आरक्षित जाति वालों के लिए सबसे जरूरी जाति प्रमाण पत्र है। जरूरी इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर आरक्षित जाति वर्ग के लोग शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ सहित विभिन्न छूट जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलती है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाना एक कठिन कार्य होता है। हालांकि अब कठिन नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अब जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है। एक तरफ से कहिए 90% अधिक आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अनेक तरह की परेशानियों से मुक्त उन्हें कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का यह फैसला आरक्षित वर्ग के करीब 2 करोड़ लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। लेकिन बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना कभी भी आसान नहीं रहा। उन्हें प्रमाण पत्र पाने सरकारी कार्यालयों के खूब चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। विपक्ष में रहते हुए उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की ढेरों शिकायतें आती रहीं। भूपेश बघेल ने तभी तय कर लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सत्ता में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा ही किया। जुलाई 2019 में ही मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर सारी उलझनें दूर कर दी। उन्होंने लाखों परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि अब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बस तय किया है कि बच्चे के पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अक्सर पिछड़े वर्ग के लोग अक्सर भटकते रहते हैं। इसमें एक फैसला हम लोगों ने लिया है कि यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और ये और जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण भी अगले 3 महीने में कर दिया जाएगा। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर जाति प्रमाण पत्र बन कैसे रहा है और इसके लिए आपको क्या करना है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बच्चे के पिता की जाति के संबंध में 2006 के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया है उसे आधार बनाया जाएगा। लेकिन यदि 2006 के पहले सक्षम प्राधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया है तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद ही बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। बच्चे के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी जो जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा उसकी मूल प्रति और पिता के जाति प्रमाण पत्र की जांच सक्षम प्राधिकारी करेंगे। बच्चे की जाति के प्रमाण पत्र के लिए उसके माता पिता या वैध पालक आवेदन करेंगे। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ग और आबादी, जाति जनसंख्या प्रतिशत SC 27.84 लाख यानी 12%, ST 69.10 लाख यानी 30%, OBC 74.24 लाख मतलब 52%। इसलिए महत्वपूर्ण ST 2.5 लाख सालाना आय वाले परिवारों को शिक्षा नौकरी में आरक्षण, SC शिक्षा नौकरी में आरक्षण, OBC शिक्षा नौकरी में आरक्षण लेकिन आय 8 लाख तक सालाना। आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेम साय का कहना है कि हमने बच्चों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति प्रदान कर दी है। जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे उसके जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ा दिक्कत होता है। उसमें अपने आदिवासियों को आदिवासी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है उसमें, और कई रिकॉर्ड खोजने पड़ते हैं। उसके लिए सरलीकरण करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ विधायक माननीय राम प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई। वो पूरे प्रदेश में जाकर देखेंगे उस बात को कि कैसे अन्य राज्यों में इसका सरलीकरण किया गया है। तो हमारे राज्य में भी जाति प्रमाण पत्र बनने का सरलीकरण हो, इस दृष्टिकोण से हमने कमेटी बनाए,
कमेटी अपना रिपोर्ट देगा, उसके बाद उसके बाद कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने तय किया है कि जब कोई व्यक्ति आदिवासी है तो उसका लड़का भी आदिवासी होगा, तो जन्म से ही उनको प्रमाण पत्र देने की योजना हमारे प्रदेश में शुरुआत की गई है। और जैसे ही आदिवासी का लड़का पैदा होता है या अस्पताल में चाहे कहीं के संस्थाओं में, तो जन्म के साथ ही उसको आदिवासी का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ये बहुत अच्छा पहल है और इसका लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं और सब जगह इसको दिया भी जा रहा है। वास्तव में सरकार ने सरकारी कार्यालयों और प्रमाण पत्र बनवाने के नाम होने वाली घूसखोरी से आरक्षित वर्ग को मुक्ति दिला दी है। इसीलिए भूपेश सरकार को लोग कहते हैं जनहितैषी सरकार। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।